झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 5 दिनों के ईडी रिमांड पर भेज दिया गया और रिमांड की अवधि आज से ही शुरू हो चुकी है। क्योंकि कल दोनों ही पक्षों ने पीएमएलए कोर्ट में अपनी बहस रखी, अपना पक्ष रखा और यहां पर फैसला कल सुरक्षित रख लिया गया था। कल पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बिरसा मुंडा कारा में रखा गया था और आज जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनकी पेशी हुई और इस पूरे मामले पर फैसला लिया गया तो 5 दिनों की ईडी रिमांड, यानी कि आज से ईडी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ करेगी तमाम मामलों में जो लगातार समन भेज रही थी और समन भेजकर सीएम हेमंत सोरेन से पूछना चाह रही थी, जो सवाल बचे थे और जिस आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया है उस आधार पर ये सवाल एक बार फिर से 5 दिनों की पूछताछ ईडी करेगी और उस पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं जिसका दावा ईडी के द्वारा लगातार किया जा रहा है। ऐसे में आज से 5 दिनों की रिमांड अवधि शुरू हो रही है। पूछताछ रिमांड अवधि खत्म होने के बाद अगर ईडी तमाम सवालों से संतुष्ट होती है, केस बनता है, तो आगे इस पूरे मामले में कानूनी प्रक्रिया चलेगी। लेकिन संतुष्ट नहीं होती है ईडी 5 दिनों की पूछताछ के बाद भी, तो एक बार फिर से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के रिमांड की मांग कर सकती है ईडी। लेकिन फिलहाल अब तक की सबसे बड़ी खबर कि 5 दिनों की ईडी के रिमांड पर गए पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी कार्यालय में रात बीतेगी, उनकी 5 दिनों तक वहीं रहेंगे और ईडी के तमाम सवालों का जवाब पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन देंगे। हुआ रिमांड को लेकर सर प्लीज कितना दिन? 5 दिन का रिमांड अगर है जो हमने कहा है कि इसको नाइट स्टे जेल कैंपस में ही करने की सुझा दी जाए, तो दिन भर इंटरोगेशन है उसमें हमारे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बट नाइट स्टे जो है वो जेल कैंपस में हो, तो हमारे लिए सिक्योरिटी कंसर्न है सर। और क्या कहा जी? वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, पार्टी के लीडरशिप है, तो बहुत बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न है, जो उसने सुविधा वहाँ मुहैया या नहीं करा जा सकती और उसको जेल में ही उनको रखा जाए। तो क्या निर्देश मिला? निर्देश सर पिटीशन हमने मूव कर दिया है, आदेश फोटो करना है। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।